पेड सर्विस में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में पत्नी नहीं है, पत्नी बीमार है, बहुत देर तक आप पत्नी से दूर है, घर से बाहर है, कांटेक्ट नहीं होता है, टूरिंग जॉब है, या फिर शादी होने की बाकी है, कोई रिलेशनशिप में नहीं है, कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है, सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा हो सकता है। जब सेक्स ड्राइव ज़्यादा है तो ज़रूरत लगती है कि भाई उसको शांत करे, उसके लिए मर्दम बोलते हैं कि भाई मास्टरबेशन करो, हस्तमैथुन करो, और हस्तमैथुन करेंगे तो काफ़ी सेक्स ड्राइव जो है चैनलाइज हो जाती है और आपको अच्छा लगता है, मगर उससे भी कभी कभी शांति लगती नहीं है तो फिर पेड सर्विस लेने की इच्छा होती है। अभी पेड सर्विस में अलग 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 प्रकार है, मगर आपको देखना है कि भाई पेड सर्विस में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो है कि पेड सर्विस में एनवायरमेंट अच्छा रहता नहीं है, आप जाओ तो बहुत, मतलब समझो आप पुणे जैसे सिटी में जाते हैं, बुधवार पेट में है, और छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत ही कंजेस्टेड कमरे हैं, बहुत सारी औरतें बाहर बैठी हुई है, कोई भी एक औरत को आप चूज़ करो अंदर लेके जाओ, एकदम छोटा सा कमरा है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियोज़ में, एकदम छोटा कमरा है कि जिसके ऊपर मतलब खड़े रहने की जगह नहीं, जाके एकदम आपको टेबल के ऊपर ही या बेड के ऊपर ही लेटना पड़ता है। जल्दी जल्दी करो, उसको तो चिंता नहीं, चलो पैसे निकालो जल्दी करो, उसको कोई चिंता नहीं है कि भाई पहले फोर प्ले करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो चलो जल्दी करो पेमेंट निकालो, उसको कोई आपके पास में लगाव नहीं, आपके तरफ उसको कुछ लगाव नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलती है कि चलो आधा घंटा मैं आपके साथ में रहूँगी या 10 मिनट रहूँगी, जो भी कुछ है, और हो सकता है कि आपको इरेक्शन नहीं आया, डर के मारे तो बुरे बुरे शब्द बोलेंगी, आपको बोलेंगी तेरा छोटा है, तू काम का नहीं है, तू जवान नहीं है, चल चले जा यहाँ से, पैसे ले लेंगी और हकाल देंगी। तो ऐसे इसमें फिर तो बहुत झटका बैठ सकता है कि भाई मैं जवान नहीं हूँ, मैं आदमी में नहीं हूँ, मेरा लिंग छोटा है, या मेरा इरेक्शन होता नहीं है, ऐसे सभी दिमाग में विचार आते हैं, और बहुत लोग जो है बाद में शादी भी नहीं करते या सुसाइड कर लेते हैं, वहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए, जब आपको ऐसा कुछ करना है तो एस्कॉर्ट्स, बड़े बड़े शहरों में एस्कॉर्ट्स रहते हैं, और एस्कॉर्ट्स मतलब वो लेडी आपके साथ में रहेंगी, आपके सेक्रेटरी जैसी रहेंगी, आपको अच्छी सर्विस देंगी, आप पैसे ज़्यादा लेंगे, हो सकता है कि वो 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे कोई भी डिमांड करेंगी, मगर फिर आपको वो अच्छी सर्विस देंगी, और ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है कि फिर जल्दी करो ऐसा करो पुलिस आएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर आपको टेस्ट करना है, एक तो टेस्ट करो ही मत, मैं ऐसा बोलते रहता हूँ, मगर टेस्ट करना है लोगों को, टेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो फिर ऐसी जगह जाना चाहिए कि जहाँ आपको दिमाग को शांति है, पुलिस आने का डर नहीं है, वो लेडी आपको डरा नहीं रही है, और शांति के वातावरण से आप सेक्स कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जब बहुत ज़्यादा सेक्स ड्राइव है तो मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन मुट्ठी मारना बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की, और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।